की सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस आसमान में हुए एक भयानक हादसे की गवाही दे रही है, जो लंदन सिंगापुर विमान की लैंडिंग के बाद की है। विमान में फंसी जिंदगियों को एक एक कर बचाने की जद्दोजहद जारी है। दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर एयरलाइंस का विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक प्लेन खतरनाक टर्बुलेंस में फंस गया और 3 मिनट के अंदर 6,000 फीट नीचे आ गया। और फिर हालात इस कदर बिगड़े कि आधे घंटे के अंदर बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, जिसके बाद तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और प्लेन से यात्रियों को उतारकर पास के अस्पतालों में भर्ती करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। बताया गया कि फ्लाइट 777 300ER लंदन से सिंगापुर जा रही थी, जिसमें 211 पैसेंजर और 18 क्रू मेंबर सवार थे। हवा में तेज झटकों की वजह से एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।